नमस्कार, सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। इस वक्त की झारखंड सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है ग्रीन राशन कार्ड को लेकर। यहाँ पर जो है ग्रीन राशन कार्ड ऑनलाइन का डेट जो है यहाँ पर बढ़ा दिया गया। आप लोग कब तक जो है ग्रीन नया राशन कार्ड जो है बनवा सकते हैं और नया राशन कार्ड पर जो है आप लोग को कब से अनाज दिया जाएगा, सारा जानकारी जो है इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप डिटेल में देने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक सरकारी योजना से नहीं जुड़े तो इसी वीडियो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे, आप लोग जान सके सरकारी योजना का लाभ उठा सके। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आखिरी तक जरूर देखिएगा। ग्रीन राशन कार्ड के लिए अक्टूबर तक ले आवेदन। यहाँ पर जो है ग्रीन राशन कार्ड जो है आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ पर जो है ग्रीन नया राशन कार्ड जो है बनाने के लिए यहाँ पर जो है आखिरी डेट जो रखा गया था 30 सितंबर तक, यहाँ पर जो है अब अक्टूबर तक जो है इस डेट को बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पर जो है आप लोग को कहाँ से और कैसे बनवाना है, अगर आप अभी तक नया राशन कार्ड नहीं बनवाए हैं तो ग्रीन राशन कार्ड पर जो है आप लोग को अनाज कब से मिलेगा, सारा जानकारी जो इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। भोजन का अधिकार अभियान। झारखंड के सदस्यों ने ग्रीन राशन कार्ड के लिए आवेदन देने की समय सीमा बढ़ाकर अक्टूबर तक करने की मांग की है। इसे लेकर अभियान के सदस्यों ने राज्य के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव को ज्ञापन दिया है। अभियान के जयाद्रज बलराम असरफी नंद प्रसाद सोलोमन स्वती नारायण एवं प्रत्युष एस की ओर से जो है ज्ञापन में जो है कहा गया है कि सरकार राज्य में जो है खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 15 लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी करने जा रही है। जितने यहां पर नया राशन कार्ड बना है यहां पर सभी नया कार्ड जो है यहाँ पर झारखंड सरकार ने यहाँ पर जारी करने जा रही है। उधर 10 लाख से अधिक आवेदन झारखंड में पहले से ही लंबित है, यानी कि जो है आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है 10 लाख नए राशन कार्ड जो है पहले से ही यहाँ पर लंबित है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र परिवार को योजना में शामिल किया जाए। अभियान के सदस्यों ने मंत्री को अवगत कराया कि आवेदन के लिए जो है 30 सितंबर का डेडलाइन भी काफ़ी कम है, इसका आखिरी डेट जो रखा गया था 30 सितंबर तक। यहाँ पर जो है इससे जो है गरीब जरूरतमंद लोग छूट जाएंगे, यहाँ तक कि ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है कोई एक्टिव लिंक नहीं है फिलहाल में, ऐसे में लिंक को तत्काल एक्टिव किया जाए। सदस्यों ने मंत्री को बताया कि 15 लाख व्यक्तियों का चयन कैसे होगा यह स्पष्ट नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि यहाँ पर इसका आखिरी तिथि जो है यहाँ पर 30 सितंबर तक जो है यहाँ पर रखा गया था। 30 सितंबर तक गरीब जरूरतमंद लोग जो है छूट जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, यहाँ तक कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो है यहाँ पर कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं है। मंत्री को बताया गया कि जो लोग अंत्योदय कार्ड के पात्र हैं उन्हें ग्रीन कार्ड से कम राशन मिलेगा। ग्रीन राशन कार्ड के आवेदन सत्यापन और मंजूरी की पूरी प्रक्रिया भी भ्रामक है, गरीबों के लिए इसे समझना भी मुश्किल होगा। ऐसे में आवेदन प्रक्रिया के व्यापक प्रचार की जाए, पात्रता मानदंडों को सरल शब्दों में लिखा जाए, चयन प्रक्रिया में जो है SC ST आवेदकों को प्राथमिकता दी जाए। यहाँ पर जो है अंत्योदय राशन कार्ड से जो है यहाँ पर ज़्यादा जो है ग्रीन राशन कार्ड धारियों को मिलेंगे अनाज, प्रति एक रुपये जो है यहाँ पर मिलेंगे ग्रीन राशन कार्ड धारियों को अनाज यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर जो है पूरी प्रक्रिया के लिए स्पष्ट और विस्तृत दिशा निर्देश जो है जारी किया जाए। दाल तेल और नमक वितरण को योजना में शामिल किया जाए, कई अन्य मांगे मंत्री के समक्ष रखी गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो है आप लोगों को नया राशन कार्ड पर जो है कब से अनाज मिलेंगे, यहाँ पर देखिए 1.32 लाख को मिलेगा खाद्य योजना का लाभ। जो राज्य में 15 नवंबर से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसके तहत जो है लाभुकों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो अनाज मिलेगा राशन कार्ड बनाने के लिए। 24 सितम्बर को रांची जिले में जो है सभी प्रखंडों में जो है कैंप लगाए जाएंगे। योजना के तहत जिले के जो है 1,32,514 लोगों को लाभ दिया जाना है। यहाँ पर जो है aadhar.jharkhand.gov.in पोर्टल पर भी आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर जो है लिंक एक्टिवेट जो है किया जा रहा है, यहाँ से जो है आप लोग ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं इस वेबसाइट के जरिए। और यहाँ पर जो 24 सितंबर को जो है यहाँ पर कैंप लगाकर जो है यहाँ पर ग्रीन राशन कार्ड जो है बनाया गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।